रुको जरा, सबर करो। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। So, hey guys, का आपका भी जो फ्री फायर गेम है वो आपके लो एंड डिवाइस में काफी ज्यादा लैग करता है। एंड जब इनेमी आपके क्लोज में आते हैं तब वहाँ पे आपका गेम एकदम चिपक जाता है। एंड कभी कभी तो आपका गेम ऑटो बैक ही हो जाता है। अरे हाँ भाई हाँ। So, guys, इस वीडियो के अंदर आपकी सारी कुछ प्रॉब्लम्स 101% सॉल्व होने वाली है अगर आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करते हो। एंड फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो बेशक मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। बट गाइस, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते हो तो आपके पास कोई सा भी डिवाइस हो या फिर कितनी भी जीबी रैम का डिवाइस हो, आपकी जो लैग प्रॉब्लम है वो 101% सॉल्व हो जाएगी। अब देखो सीन क्या कुछ है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लैग फिक्स करने के लिए कुछ यूनिक एंड न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स को बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग सारी कुछ टिप्स एंड सेटिंग को कर लेते हो तो आपका जो लैग है ना वो 100% फिक्स हो जाएगा। एंड इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको टिप्स एंड सेटिंग बताने वाला हूँ वो एकदम न्यू होने वाली है, ना ही आज से पहले किसी यूट्यूबर ने आपको बताई होंगी एंड ना ही कोई यूट्यूबर आपको बताएगा। बिकॉज जो बंदा फ्री फायर गेम को लो एंड डिवाइस में खेलता है वही इन सारी सेटिंग्स के बारे में जानता है एंड वही इसके बारे में बता सकता है। एंड जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैंने इस चैनल की शुरुआत एक लो एंड डिवाइस में की थी, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी न्यू सेटिंग्स को बताने वाला हूँ। तो वैसे अगर आप भी एक लो एंड डिवाइस प्लेयर हो तो प्लीज भाई लोग एक वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को गाइस सब्सक्राइब भी कर देना। एंड उसके अलावा गाइस, आप कितने जीबी रैम के डिवाइस आप फ्री फायर गेम को खेलते हो सही भाई लोग, अपने अपने डिवाइस की रैम को कमेंट कर दो। बिकॉज मेरे को जानना है आप कितने जीबी रैम के डिवाइस आप फ्री फायर गेम को खेलते हो, तो जल्दी से कमेंट कर दो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब गाइस देखो, सबसे पहले बात करते हैं टिप नंबर वन। बेसिकली एक प्ले स्टोर की सेटिंग होने वाली है जिसका नाम है ऑटो अपडेट एप्स। अब देखो बहुत सारे प्लेयर्स इस सेटिंग के बारे में जानते नहीं है। अब देखो सीन क्या कुछ होता है, जब भी प्ले स्टोर के अंदर किसी एप्लीकेशन में अपडेट आता है ना तब वहाँ पे वो ऑटोमेटिक अपडेट होने लगता है। अब वो जब भी ऑटोमेटिक आपके एप्लीकेशन अपडेट होंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके डेटा को कंज्यूम करने वाले हैं एंड वो आपके फोन पे इफेक्ट डालते हैं। तो आपकी वाली सेटिंग को अभी कभी ऑफ कर देना है अगर आपको अपने फ्री फायर गेम को स्मूथली रन करना है। तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है एंड प्ले स्टोर में जाने के बाद गाइस आपको साइड में जो आपको लोगो दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद गाइस आपको नीचे सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम रहेगा नेटवर्क प्रेफरेंसेस, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है गाइस ऑटो अपडेट एप्स, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको डोंट ऑटो अपडेट एप्स पर क्लिक कर देना है, इसको आपको ओके कर देना है। अब इससे गाइस क्या कुछ होगा, कोई भी एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, आप मैनुअली आपको सारे कुछ एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ेगा। इससे क्या कुछ होगा, जब भी आप फ्री फायर गेम को खेलोगे तो ना ही आपके एप्लीकेशन ऑटोमेटिक अपडेट होंगे एंड ना ही आपका गेम लैग करने वाला है। तो ये वाली सेटिंग को आपको मस्ट ऑफ कर देना है। इसको अगर हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 2। अब देखो टिप नंबर 2 बेसिकली एक व्हाट्सएप की सेटिंग होने वाली है जिसका नाम है मीडिया ऑटो डाउनलोड। अब देखो सीन क्या कुछ होता है, जब भी आपके व्हाट्सएप में कोई बंदा फोटो या फिर वीडियो को सेंड करता है ना तब वहाँ पे वो भी ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगती है, आपका फोटो भी डाउनलोड होने लगता है एंड आपका जो वीडियो है ना वो आपके बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगती है। अब देखो इससे क्या कुछ होगा, आपका व्हाट्सएप ऑटोमेटिक इनेबल होगा, आपका डेटा ऑटोमेटिक कंज्यूम होने वाला है एंड आपके फोन पर भी इफेक्ट पड़ने वाला है। एंड आप समझो कि आप जब भी फ्री फायर गेम को खेल रहे हो एंड किसी बंदे ने व्हाट्सएप में आपको कुछ भेजा फोटो या फिर वीडियो, तब वो वहाँ पे बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगेगी एंड आपको जो गेम है ना वो काफी ज्यादा लैग करने लग जाएगा। तो आपको ये वाली सेटिंग को भी ऑफ कर देना है। इसके लिए गाइस आपको क्या कुछ करना है, आपको उन्हें व्हाट्सएप को ओपन करना है एंड व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको देखो व्हाट्सएप आपका इनेबल हो जाएगा एंड आपको साइड में ये थर्ड डॉट पर क्लिक करना है एंड उसके बाद गाइस आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा स्टोरेज एंड डेटा का, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मीडिया ऑटो डाउनलोड। तो आपको देखो सबसे पहले क्लिक करना है व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा। तो अगर ये सारे कुछ टिक है ना इनका मतलब ये है कि आपको कोई भी फोटो ऑडियो वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट सेंड करेगा तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लग जाएंगे। तो सभी को आपको हटा देना है। इससे क्या कुछ होगा, आपके कोई भी फोटो या फिर वीडियो
ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगी, आपको मैनुअली डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर आपको नीचे आना है वैन कनेक्ट ऑन वाईफाई, यहाँ पर भी अगर ये टिक है ना तो यहाँ से भी सभी को यहाँ से आपको हटा देना है। इससे क्या कुछ होगा, आपको जो भी बंदा व्हाट्सएप में कुछ भी भेजेगा आपको खुद से मैनुअली जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कोई भी चीज डाउनलोड नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टिप नंबर थ्री होने वाली रिप्ले ऑफ। अब देखो फ्री फायर गेम में एक फीचर होता है रिप्ले का, अगर आप इस फीचर को इनेबल कर देते हो तो आपका जो गेम प्ले है ना वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता रहेगा एंड आपके गेम में रिकॉर्डिंग की हिस्ट्री भी बनती रहती है। अब देखो इससे क्या कुछ होता है, ये आपकी इंटरनल स्टोरेज को घेरता है गाइस। तो गाइस ये वाली सेटिंग आपको अपने लो एंड डिवाइस में बिल्कुल भी इनेबल नहीं करनी है, बिकॉज अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करोगे तो ये आपके रोम पर इफेक्ट डालेगा एंड आपका गेम काफी बुरी तरह से लैग कर सकता है। तो ये वाली सेटिंग को ऑफ कर देना, आपको गेम में जाना है। गेम में जाने के बाद देखो आपको नीचे रिकॉर्डिंग में जाके आपको रिप्ले वाली सेटिंग को यहाँ से ऑफ कर देना है। अगर आप ऑफ कर देते हो तो आपका कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी एंड आपका गेम पूरा स्मूथ चलने वाला है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं टिप नंबर फोर जो होने वाली है ऑफ एप्लीकेशन बैकग्राउंड एक्टिविटी। सो गाइस अगर आप किसी एप्लीकेशन की बैकग्राउंड एक्टिविटी को ऑन कर देते हो ना तो आपको वो बैकग्राउंड में हर तरीके की एक्टिविटी कर सकता है, जैसे वो आपके रैम को कंज्यूम कर सकता है एंड वो आपके प्रोसेसर को भी यूज कर सकता है। तो वैसे आपको हर एक एप्लीकेशन की बैकग्राउंड एक्टिविटी को ऑफ कर देना है, जिससे क्या कुछ होगा, आपका जो फोन है ना वो आपका पूरा 100% आपको गेम को ही देगा। अब देखो हर एक एप्लीकेशन की बैकग्राउंड एक्टिविटी को ऑफ करने के लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको अपने डिवाइस की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद नीचे आपको एप्स में चले आना है एंड उसके बाद गाइस आपको ऐप मैनेजमेंट को ओपन करना है एंड यहाँ पर आपके बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो गाइस आपको एप्लीकेशंस पर क्लिक करना है एंड आपको बैटरी यूजेज में जाना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी। सो गाइस अगर आपकी इनेबल है ना तो आपको सभी एप्लीकेशन की ये जो बैकग्राउंड एक्टिविटी है ना सब कुछ आपको ऑफ कर देना है। जितनी भी आपके डिवाइस में एप्लीकेशन है आपकी फोरग्राउंड एक्टिविटी इनेबल रहनी चाहिए, बट आपको बैकग्राउंड एक्टिविटी को ऑफ कर देना है। इससे क्या कुछ होगा, ये वाला एप्लीकेशन है वो आपके बैकग्राउंड में कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टिप नंबर 5 जो होने वाली है अपडेट योर फोन। अब को क्या कुछ सीन होता है, जो भी आपके फोन में अपडेट आते हैं ना वो आपके फोन की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आते हैं। जो भी आपके फोन में छोटे मोटे बग्स चलते हैं, आपका फोन जो भी लैग करता है ना वो सारी कुछ चीजों को फिक्स करने के लिए फोन वाले आपको अपडेट देते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम अपने फोन को अपडेट करते रहना है, जब भी आपके फोन में अपडेट आता है ना आपको उस अपडेट को करना ही करना है। अब देखो बहुत सारे बंदे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, वो अपने फोन को अपडेट ही नहीं करते। तो गाइस आपको ये काम नहीं करना, आपको अपने फोन को एकदम अप टू डेट रखना है। उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको ऐप अबाउट फोन को ओपन करना है। ऐप अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पर आपको आपका वर्जन देखने को मिल जाएगा कि आपका फोन कौन से वर्जन पे चल रहा है एंड कोई भी अपडेट आया या फिर नहीं। अब देखो अभी के टाइम में आप चेक कर सकते हो मेरे फोन में कोई भी अपडेट नहीं आया, मेरा फोन एकदम अप टू डेट है। तो आपको अपने फोन को एकदम अप टू डेट रखना है अगर आप चाहते हो कि आपका फ्री फायर गेम एकदम स्मूथली रन करे। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 6 जो होने वाली है गाइस डेवलपर ऑप्शन की कुछ सेटिंग। मैं आपको डेवलपर ऑप्शन में 2 सेटिंग बता देता हूँ जो आपको मस्ट इनेबल करनी है। उसके लिए गाइस आपको क्या कुछ करना है, आपको अपने डिवाइस की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको ऐप अबाउट फोन में जाना है एंड ऐप अबाउट फोन में जाने के बाद गाइस आपको वर्जन्स में चले जाना है एंड जैसे आप वर्जन्स में जाते हो तो यहाँ पर आपके सामने बिल्ड नंबर या फिर वर्जन नंबर का ऑप्शन आएगा। इस पर आपको 4-5 बार ऐसे टैप टैप करना है एंड जैसे आप टैप टैप कर देते हो आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आपको बैक करना है एंड ऊपर आपको सर्च करना है डेवलपर। जैसे गाइस आप सर्च करते हो डेवलपर तो आपके सामने आपको जो डेवलपर ऑप्शन है ना वो यहाँ पे आ जाता है। इसको गाइस आपको ओपन करना है एंड यहाँ पर आपके सामने डेवलपर ऑप्शन की बहुत सारी सेटिंग आती है। अब मैं आपको बेसिकली यहाँ पे 2 सेटिंग बता देता हूँ, बस वही आपको चेंज करनी है। अब देखो सबसे पहली सेटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जिसका नाम रहेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो इस पर गाइस आपको क्लिक करना है एंड डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पर टिक होगी तो आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या कुछ होगा, आपके बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस नहीं होगी। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको एक और सेटिंग को कर लेना है जो होता है गाइस आपकी एनिमेशन की सेटिंग। यहाँ पर आपको 3 तरीके के एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांसिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। अब आपको क्या कुछ करना है, इन तीनों एनिमेशन को गाइस आपको ऑफ कर देना है। अगर आप तीनों एनिमेशन को ऑफ कर देते हो ना तो आपके जहाँ भी एनिमेशन होते हैं आपके फोन में वहाँ पे वो काफी ज्यादा फास्ट होंगे एंड आपका गेम काफी ज्यादा फास्ट रन करने लग जाएगा। तो आपको डेवलपर ऑप्शन में ये 2 सेटिंग ही चेंज कर लेनी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 7 जो होने वाली गाइस फोर्स स्टॉप ऑल एप्लीकेशन। अब ये वाली सेटिंग में हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ
जब भाई मेरे पास स्लो एंड डिवाइस था ना, तब मैं सारे एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप किया करता था, एंड जब भी मैं फोर्स स्टॉप करता था तो मेरा गेम काफी ज्यादा स्मूथ रन करता था। तो वैसे आपको ये काम करना है, आपको कम से कम एक दिन में एक बार सभी एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप कर देना है। जब भी आप फ्री फायर गेम को खेलने वाले हो, उससे पहले आपको सभी एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप कर देना है। उसके लिए कैसे आपको क्या कुछ करना है, अपने डिवाइस की आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद कैसे आपको नीचे जाना है एप्स में। एप्स में जाने के बाद गाइस आपको जाना है ऐप मैनेजमेंट में, एंड जैसे आप ऐप मैनेजमेंट में चले जाते हो, आप सामने आपके डिवाइस के बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो आपको किसी भी एप्लीकेशन पर ऐसे आपको टिक करना है जिसको आपको फोर्स स्टॉप करना है, एंड यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा फोर्स स्टॉप। तो आपको ऐसे हर एक एप्लीकेशन को एक एक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। अब देखो, फोर्स स्टॉप करने से ना ही आपका डेटा डिलीट होता है, ना ही कुछ होता है। आप जैसे दोबारा से उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, इजीली ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने प्ले स्टोर को फोर्स स्टॉप किया था, अब मैंने प्ले स्टोर को दोबारा से ओपन किया तो वो इजीली ओपन हो गया। तो आपको हर एक एप्लीकेशन को ऐसे फोर्स स्टॉप कर देना है गेम खेलने से पहले। इस बार हम बात कर रहे थे टिप नंबर 8 के बारे में, जो होने वाली है यूज लो ब्राइटनेस। अब देखो, हर एक के फोन में ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करने का ऑप्शन तो होता है। सो गाइस, अगर आप ब्राइटनेस को पूरा फुल करके फ्री फायर गेम को खेलोगे तो वहाँ पे आपका फोन है ना, वो काफी ज्यादा हीट होगा, बिकॉज आपकी ब्राइटनेस काफी ज्यादा तेज होगी। एंड गाइस, वो ऊपर से गर्मियां भी आने वाली है। गर्मियों में तो यार पहले से काफी ज्यादा फोन हीट हो जाता है, अगर आप ब्राइटनेस को भी फुल कर दोगे तो वहाँ पे वो काफी और ज्यादा हीट होगा, एंड इससे क्या कुछ होगा, आपका जो गेम है ना वो वहाँ पे लैग कर सकता है। तो आपको अपनी ब्राइटनेस को हमेशा कम करके फ्री फायर गेम को खेलने का ट्राई करना है। एंड उसके अलावा गाइस देखो, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम होता है ऑटो ब्राइटनेस। अगर आप ऑटो ब्राइटनेस को इनेबल कर देते हो तो ये आपकी ऑटोमेटिक आपकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देगा। अगर आप ज्यादा रोशनी वाली जगह में जाओगे तो ये आपकी ब्राइटनेस को बढ़ा देगा, अगर आप अंधेरे में आओगे तो ये आपकी ब्राइटनेस को कम कर देगा। अब देखो, इससे क्या कुछ होगा, ये आपके फोन पे इफेक्ट डालता है, आपके सेंसर इससे एक्टिवेट हो जाएंगे एंड ये आपके फोन पे इफेक्ट डालेगा। तो आपको ऑटो ब्राइटनेस को भी कभी इनेबल नहीं करना, आपको हमेशा मैनुअली ब्राइटनेस को कम करना है, एंड उसी पर आपको फ्री फायर गेम को खेलना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इस बार हम बात कर रहे थे टिप नंबर 9, जो होने वाली है अपडेट कैरियर सर्विसेज। अब देखो, ये गूगल का एप्लीकेशन होता है जो आपके फोन के सिस्टम को रन करवाता है। अब देखो, इस वाले एप्लीकेशन को आपको अपडेट रखना है, उसके लिए कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर को ओपन करना है एंड ऊपर गाइस आपको सर्च करना है कैरियर सर्विसेज। जैसे आप यहाँ पे डालोगे ना गाइस कैरियर, एंड आपको सर्विसेज यहाँ पे लिख देना है, एंड जैसे आप कैरियर सर्विसेज को यहाँ पे सर्च करते हो, आपके सामने गूगल का ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। अब देखो, अगर यहाँ पे आपके सामने अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है तो आप समझ जाना कि मेरा एप्लीकेशन पहले से अपडेट है। अगर यहाँ पे आपके सामने अपडेट का ऑप्शन आ रहा है ना, तो वैसे आपको कैरियर सर्विसेज को हमेशा अप टू डेट रखना है, आपको उसको अपडेट कर लेना है। कैरियर सर्विसेज का काम बेसिकली क्या होता है, आपके फोन की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना है एंड फोन में कोई भी छोटे मोटे जो भी बग्स एंड ग्लिचेस होते हैं उनको गाइस फिक्स करना। तो आपको कैरियर सर्विसेज को हमेशा अप टू डेट रखना है अगर आप चाहते हो कि आपके फोन में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं टिप नंबर 10, जो होने वाली है रिमूव विजेट्स। अब देखो, आपके फोन में बहुत सारे विजेट्स होते हैं जिनको लगाने के लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर, एंड यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है विजेट्स का। तो यहाँ पर आप बहुत सारे विजेट्स लगा सकते हो, टाइम वाले विजेट्स लगा सकते हो, और भी बहुत सारे विजेट्स होते हैं, ये आपकी होम स्क्रीन पर ऐसे आ जाते हैं एंड ये आपकी होम स्क्रीन को घेर लेते हैं, इससे आपके फोन पे इफेक्ट पड़ता है। तो आपको विजेट्स वगैरह को बिल्कुल भी यूज नहीं करना, आपको अपनी होम स्क्रीन पे आपको अपनी होम स्क्रीन को एकदम क्लियर रखना है। जैसे ये वाले फालतू के विजेट्स है, इनको कैसे आपको रिमूव विजेट्स कर देना है, एंड ये भी फालतू के विजेट्स है, इसको भी कैसे आपको रिमूव कर देना है। आप ओनली टाइम का विजेट्स रख सकते हो, इससे क्या कुछ होगा, आपकी जो होम स्क्रीन है वो एकदम क्लियर रहेगी एंड आपको विजेट्स बिल्कुल भी यूज नहीं करने अपनी होम स्क्रीन पर। तो गाइस, ये 10 की 10 टिप्स मैंने आपको बता दी, एंड गाइस देखो, सारी टिप्स को अपने फोन में अप्लाई करो। अगर आपके लेग में जरा सा भी सुधार होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर बोल देना। तो बस गाइस, ये इस वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।